أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يؤتيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil latar ala rasulillah wa alihil latar wa Muhammad wa ali Muhammad salawat. मुलायदा वो कता के आई नए कुदरत पे जिला है इनसे, आई नए कुदरत पे जिला है इनसे, मेयार वफा नाम खुदा है इनसे, बे तकदीर का लिखा भी बदल देते हैं, तकदीर का लिखा भी बदल देते हैं, बख्शिश है इनायत है अता है इनसे। ये कता के इस दर का गदा जो भी रहा अनमोल रहा है, इस दर का गदा जो भी रहा अनमोल रहा है, मीसम कोई कंबर कोई बहलोल रहा है, इस दर का गदा जो भी रहा अनमोल रहा है, मीसम कोई कंबर कोई बहलोल रहा है, और पैकर यूं वफा का तराशा है अभी तक के अब्बास तो खामोश है रन बोल रहा है। एक सलाम के चंद अशआर मस्त कि मैं हूं असगर मैं बताऊंगा शुजात क्या है, मैं हूं असगर मैं बताऊंगा शुजात क्या है, फुरमला होश में आ तेरी हकीकत क्या है। भाई हौसला फातह खैबर से मिला है मुझको, हौसला फातह खैबर से मिला है मुझको, छीन ले मेरी हंसी तीर में हिम्मत क्या है। जुल्म की फौज को चुटकी में मसल सकता हूं, जुल्म की फौज को चुटकी में मसल सकता हूं, मुझको तलवार उठाने की जरूरत क्या है। और आ तो जाने दो मेरे होंठों पे हल्की से हंसी, आ तो जाने दो मेरे होंठों पे हल्की से हंसी, अभी खुल जाएगा ये फौज की कसरत क्या है। और जुल्म की आंखों में आंसू मेरे होंठों पे हंसी, जुल्म के आंखों में आंसू मेरे होंठों पे हंसी, फतह की इसके सिवा और अलामत क्या है। नारे सलवात बारे दिगर नारे सलवात एक मतला और कुछ पेशे खिदमत है। जिंदगी भर शाहिदी का तज़किरा करते रहो, जिंदगी भर शाहिदी का तज़किरा करते रहो, जिंदगी भर शाहिदी का तज़किरा करते रहो, हक यूं ही अजरे रिसालत का दा करते रहो। जिंदगी और आखिरत दोनों संवरती जाएगी, जिंदगी और आखिरत दोनों सवरती जाएगी, जो नबी ने कह दिया है वो सदा करते रहो, है अली मौला उन्हीं के जिनके मौला हैं रसूल, है अली मौला उन्हीं के जिनके मौला हैं रसूल, इस हदीस से मुस्तफा को
तुम बया करते रहो, तुम गुलामे हजरते अब्बास हो। ऐ दोस्तों गर करो वादा किसी से तो वफा करते रहो। खा के गर्दन पर सितम का तीर असगर कहे गए, हम खुदा की राह पर हैं तुम जफा करते रहो। मक्ते का शेर पेश खिदमत है। मुश्किलें आसान होंगी उनके आने से अमूद, मुश्किलें आसान होंगी उनके आने से अमूद, आखिरी हुज्जत के आने की दुआ करते रहो। फातिहा। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وهادينا ومولانا أبي القاسم محمد محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد فقد مات شهيدا صلى الله عليه وسلم. ناظرین کرام، حاضرین کرام، قبل اس کے کہ اس حدیث سرکار دو عالم کے ذیل میں کچھ معروضات آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ہاشم رضا کاظمی صاحب، ابن ہادی حسن صاحب مرحوم اور حسینہ بی بی بنت مجتبیٰ صاحب کی روح کو ایصال ثواب فرمائیں۔ عزیزان گرامی، صاحبان ایمان، عاشقان محمد و آل محمد اور محبان سرکار سید الشہداء، یہ مجلس جو بنام ایصال ثواب ایک مرحوم کے
नेक खानवादे के अफराद ने इस मजालिस अज़ाए हुसैन का इनेकाद ऑनलाइन किया। चूँकि हमारे यहाँ दस्तूर नहीं, ये अकीदा है कि हमारी मग़फ़िरत या अहले बैत के ज़रिए होती है या खुदा करता है, मगर अगर अहले बैत न हो तो हमारे पास कोई ज़रिया निजात नहीं है। ये मजलिस मरहूमीन के नाम से जो मुनक़िद की गई है, जनाब हाशिम रज़ा साहब और हसीना बीवी के लिए, ये मजलिस बराए निजात और बुलंदी दर्जात के लिए मुनक़िद की गई है। मैंने जिस हदीस रसूल को इस वक्त की मुख्तसर सी गुफ्तगू के लिए सरनामे कलाम करार दिया है, इसमें अल्लाह का हबीब जिसके ज़ुबान मुबारक पर वही का पहरा लगा हुआ है, वो बग़ैर हुक्म इलाही के, हुक्म परवरदगार के, रज़ाए परवरदगार के वो कुछ नहीं बोलता। वो ऐलान कर रहा है कि जो लोग दुनिया से मोहब्बत अहले बैत लेकर के उठते हैं, फ़कत और फ़कत वो शहीद होते हैं। और क़ुरान गवाह है कि शहादत जिन लोगों को हासिल हो जाती है उन्हें मौत नहीं आती बल्कि वो बाकी रहते हैं। जिन मरहूमीन के साले सवाब के लिए मजलिस है, यकीनन वो अगर मर गए होते, फना हो गए होते, मिट गए होते, तो आज उनके ख़ानदान के अफराद उनके लिए मजलिस इसाले सवाब का एहतमाम न करते। मजलिस अज़ाए हुसैन और मजलिस अज़ाए हुसैन बनाम इसाले सवाब जो मुनक़िद की जाती है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हासिल है, एक ही नतीजा है, एक ही अकीदा है कि हम दुनिया में जब जी रहे थे तो अहले बैत के ज़रिए से, आज जब दुनिया से चला गया है हमें उसे अगर याद करना है तो दुनिया के किसी वाक़यात से उसे याद नहीं किया जा सकता, अहले बैत के ज़रिए से याद किया जाएगा। अहले बैत के ज़रिए से हम इसलिए याद करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़कत माता शहीदा, बस और बस वो शहीद मरता है। अब अगर नबी की गुफ्तगू पर कोई शक करता है तो वो सब कुछ हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता। और अल्लाह का रसूल कह रहा है कि फ़कत माता शहीदा, लिहाजा जो मरा है वो शहीद मरा है। और शहादत के लिए कुरान गवाह है कि अल्लाह ऐलान कर रहा है कुरान मजीद में कि जो लोग शहीद मरते हैं उन्हें रिज़्क़ अल्लाह की बारगाह से मिलता है। जब अल्लाह की बारगाह से मिलता है तो मरने वाला शहीद मरा, तो अब आज जो रिज़्क़ उसे दिया जा रहा है, आज जो उसे ग़िज़ा पहुंचाई जा रही है, तो ग़िज़ा उसी के वसीले से पहुंचाई जा रही है कि जिसके लिए अल्लाह ने कहा कि आए मोहम्मद, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं कायनात के किसी ज़र्रे को खल्क ही ना करता। इसका मतलब यह है हमारी खिलकत भी अगर है तो मोहम्मद के सदक़े में, हमारा वजूद है तो मोहम्मद के सदक़े में, हमारी बका है तो अहले बैत के सदक़े में। इसका मतलब यह है अहले बैत अगर हमारी ज़िंदगी में ना हो तो हमारी जिंदगी बेकार है, जीने का कोई मकसद नहीं है, जीने का कोई हक नहीं है। हम जीते भी हैं आले मोहम्मद की मोहब्बत पर, मरते भी हैं आले मोहम्मद की मोहब्बत पर। सलावत मोहम्मद, हम मरते भी हैं आले मोहम्मद की मोहब्बत पर। लिहाजा फरमाया कि जो शहीद है और शहादत के लिए साहिबान इल्म व फहम जानते हैं अच्छी तरीके से कि शहादत के लिए हयात जरूरी है, और जब हयात जरूरी है, हमें जिंदा रहना है, तो हमको जब जिंदा रहना है तो जिंदगी के लिए ग़िज़ा ज़रूरी है। कोई बशर इस कायनात में बगैर ग़िज़ा के जिंदा नहीं रह सकता। जैसे हालात हों, जैसे वक्त हों, जैसा ज़माना हो, वैसी ही ग़िज़ा का अहतमाम किया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा ज़माने में कि कोई ऑक्सीजन के ज़रिए से ज़िंदा है, कभी आपने देखा होगा कि लिक्विड के ज़रिए से ज़िंदा है, कभी आपने देखा होगा कि किसी टॉबलेट और किसी इंजेक्शन की वजह से ज़िंदा है। मगर बहरहाल मैंने कहा इंजेक्शन क्यों दिया जा रहा, कहा इसलिए कि इसकी ग़िज़ा यही है, इस वक्त मुँह से खा नहीं सकता। मैंने कहा यह ऑक्सीजन क्यों दिया जा रहा है, कहा इसकी ग़िज़ा भी इसी वक्त है, यानी इसकी हयात का मुझी जो है
यही ऑक्सीजन है। कहा अच्छा देखो हालात जब बहुत खराब हुए, नागुफ्ता हालात पे हुए, तो कहा ऐसा है इसे वेंटिलेटर पर ले जाया जाएगा। मैंने कहा क्यों लेके जा रहे हो? कहा देखिए इस वक्त उसकी जिंदगी के लिए जो गजा है अब यहां से नहीं मिलेगी, उसके लिए वहां से मिलेगी। अब इसका मतलब है गजा हर जमाने में जीने के लिए गजा जरूरी है। तो जब हमारा अकीदा है कि हमारा मरने वाला मरता ही नहीं है, हमारा जिंदा रहता है, तो अब उसके लिए गजा देना जरूरी है। अब इंसाफ से बताइए यह गजा का अहतमाम कौन करता है? या तो घर वाला करता है, या खानदान वाला करता है, या वारिस करता है, या अजीज करता है। तो अब आज जो अपने मरने वालों के लिए मजाली से अजा का अहतमाम करते हैं, यह मामूली बात नहीं है, बल्कि यह गजाए रूहानी का अहतमाम किया जा रहा है। गज़ाए रूहानी का अहतमाम मजलिस तरहीम का इनेकाद क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि जमाने को बताया जाए वो और हैं जो मर जाते हैं, वो और हैं जो जिंदा रहा करते हैं। सलावात मुहम्मद व आले मुहम्मद। हो सकता है किसी का सवाल पैदा हो, नाजरीन का सवाल पैदा हो कि मौलाना ने बहुत अच्छी तरीके से कह दिया कि हम मरने के लिए पैदा नहीं, हम जिंदा रहने के लिए पैदा हुए। मैं यकीन के साथ कहता हूं, अकीदे के साथ कहता हूं कि हम मरने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। हम तो बस यहां से दूसरी जगह मुंतकिल कर जाएंगे। जब मुंतकिल करेंगे, और आप भी जानते हैं, नाज़रीन भी अच्छी तरीके से जानते हैं, जब कोई कहीं जाता है तो कुछ ना कुछ तोहफा जरूर लेके जाता है। अजीजदारी में जा रहा हो, खानदान में जा रहा हो, रिश्तेदारी में जा रहा हो, तो सोचता है कि कोई तोहफा लिया जाए, है ना? मौलाना मसूफ है, ये ईरान से आते हैं, ये ईरान से जब आते होंगे तो पहले ये सोचते होंगे घर जा रहे हैं तो वालिद के लिए क्या होना चाहिए, भाई के लिए क्या होना चाहिए, बहन के लिए क्या होना चाहिए, रिश्तेदार के लिए क्या होना चाहिए। तो अब हमें जब इंतकाल करना है, यहां से वहां जाना है, वहां जब जाना है तो अली से मुलाकात करना है, जब वहां जाना है फातिमा से मुलाकात करना है, जब वहां जाना है हसनैन से मुलाकात करना है, तो कोई तो दुनिया में रहे 40 साल 50 साल वहां के लिए तोहफा ले जाओ। तो अब जो तोहफा ले जाओगे तो क्या ले जाओगे? दौलत ले जाने की जरूरत है नहीं, वहां दौलत की जरूरत है नहीं, तो अब क्या ले जाओगे? वहां अपना अकीदा संभाल के ले जाना, अपना अकीदा संभाल के ले जाना। क्या अहले बैत देखने के बाद कह दे हाँ अकीदा भी दुरुस्त है, अमाल भी दुरुस्त है। अकीदा अमाल दोनों जब दुरुस्त होगा तो तुम निजात याफ्ता कहलाओगे, निजात तुम्हें मिलती हुई नजर आएगी। सलावात मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो जाने गिरामी इसका मतलब यह है कि मरने वाला जो है, जो कायनात में आया है, उसे एक ना एक दिन जाना है। मगर जब जाना है तो उसे लेके क्या जाना, उसे क्या लेके जाना? दौलत, माल, सरवत, हुकूमत। तो हुकूमत तो उसी वक्त तक है जब तक वो गद्दी पर है, या अगर हुकूमत गद्दी पर भी था और सांस बंद हो गई तो हुकूमत भी उसकी चली गई, हुकूमत भी नहीं ले जा सकता। क्या ले जाएगा? अगर ले जाएगा तो जो अच्छे आमाल किए हैं वही लेके जाएगा, जो अच्छे अकीदे किए हैं वही लेके जाएगा। अब कुछ जाने वाला नहीं है। मगर इस हालात में, इस कोरोना के दौर में, इस वबा के दौर में भी अगर लोग न सीखें अपनी जिंदगी से तो किस जमाने में होश में आइएगा? कभी आपको दौलतों का गुरूर है, कभी जाहो हशम का गुरूर है, कभी इख्तदार का गुरूर है, कभी अपने इल्म पर गुरूर है। अमा गुरूर अगर करना है तो इस बात पर गुरूर करो ना, फिक्र इस बात पर करो ना कि कम से कम हमारा किरदार भी अहले बैत वाला है, तब ये गुरूर आपको अच्छा लगेगा। कोई है कुछ नहीं, मगर आप बने जा रहे हैं बहुत बड़े ताकतवर, हमारे पास बहुत। तो मैंने कहा मौत एक हयात का नाम है। तो अब आपने, हो सकता है कहीं से सवाल ये पैदा हो जाए कि मौलाना हयात क्या होता? मर गया, मिट्टी में मिट गया। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर वो मर गया तो फिर तलखीन क्यों पढ़ी जाती है? तलखीन क्यों पढ़ी जाती है? और तलखीन में यह भी कहा जाता है इस्माइल को सुनो समझ। तो क्या आप कब्र में लेटा के भी झूठ बोलते हैं? तो आपने कहा नहीं मौलाना, आपने लगता है पढ़ा नहीं है। मैंने कहा क्या नहीं पढ़ा? क्या क्या आपको नबी की वो हदीस याद नहीं है कि जिसमें नबी ने फरमाया है कि इल्म हासिल करो महज से लहज तक, और जब मर ही जाएगा तो रसूल क्यों कहेंगे कि लहज में जाके आप इल्म हासिल करो? लहज में इल्म हासिल करने की अलामत है
कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जीने वाले, जी रहे हैं, मगर इंतकाल के बाद उनके क्या पढ़ाया नहीं जाता। हमारे यहां पढ़ाया जाता, जो पढ़ाया जाता तो यह दलील है कि वो और हैं, जो मर जाते हैं वो और जिंदा रहा करते हैं। तब आप कहिएगा मौलाना ये जिंदगी कैसे मिली, तो जिंदगी इसलिए मिली, हमारा पहला भी जिंदा है, हमारा औसत भी जिंदा है, हमारा आखिर भी जिंदा है। तो जिसका आका मौला जिंदा होता है वो मरने उम्मत नहीं मना करती, जिसका मौला जिंदा है उसकी उम्मत भी बाकी है। और फिर हमारा जिंदा इमाम पर्दे गैब में मौजूद है, तो जब वो मौजूद है तो उसकी उम्मत को कैसे मौत आ सकती है। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आजाने गिरामी, गौर करने का मकाम है कि मरहूम के खानवादे के लोग लायक तहसीन और लायक मुबारकबाद हैं कि वो अपने वारसा के लिए ईसाल सवाब का एहतमाम कर, ईसाल सवाब का एहतमाम। कभी कभी लोग फिक्र ये पैदा करते हैं इन मजलिस से फायदा क्या हो रहा है, ये ईसाल सवाब की मजलिस से क्या फायदा हो रहा है, एक घंटे खतीब शुआरा उलमा ये जो वक्त दे रहे हैं इससे फायदा क्या हो रहा। देखिए बज़ाहिर एक फायदा तो मजलिस ईसाल सवाब से कौम को हुआ है जो हो रहा है। चैलेंज के साथ कहता हूं आप इस शिया कौम के अलावा दूसरे मसालिक में चले जाएं, चाहे वो देवबंदी हो चाहे बरेलवी हो, उनके यहां चले जाएं, उनसे पूछें कि आपके परदादा का नाम क्या है, आप नाना का नाम क्या है। यकीन माने 90% वो मुसलमान हैं जो नहीं बता पाएंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस ईसाल सवाब की मजालिस के जरिए से कम पोते कुछ जाने न जाने, पर दादा तक का तो नाम याद है, खानदान के मुजीद का नाम याद है। मजलिस के ईसाल सवाब का सबसे बड़ा फायदा यह है जो मजलिस खानदान को भूलने नहीं देती वो अहले बैत को कब भूलने देगी। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जाने गिरामी लिहाजा गौर करना चाहिए ईसाल सवाब। फिर ईसाल सवाब के लिए मैं बाहर रहा आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि इस मौत नहीं है, हयात जिंदगी है, और मौत शहद से ज्यादा शीरिंग है यानी मीठी है, इतनी हलावत है इस शहद में। वजह यह है कि खानदान अहले बैत ने मौत को जो शहद से ताबीर किया उसकी वजह यह है कि शहद में तहारत पाई जाती है, शहद में शिफा पाई जाती है, और मौत का दूसरा नाम भी शिफा है, मौत का दूसरा नाम भी शिफा है यानी निजात याफ्ता है। तो अब मौत जब शिफा बनेगी तो कोई शफी भी तो होना चाहिए, तो अब किसी के पास हो ना हो हमारे पास शफी ये रोजे जजा मौजूद है। सलावत मोहम्मद वाल, इसलिए हमें आले मोहम्मद की जिंदगी पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। तो मैंने कहा शहद से ज्यादा शीर, खान वादे अहले बैत ने कहा मौत शहद से ज्यादा शीरी है यानी मौत में हलावत है, मौत में मिठास है, मौत में चाशनी है, मौत एक नेमत परवरदिगार है। ऐसा नहीं है कि मौत नेमत नहीं, नेमत परवरदिगार है, बशर्ते कि आप अपनी जिंदगी को उस तरीके से गुजारा हो जिस तरीके से अहले बैत चाह रहे, तो आपके लिए मौत नेमत परवरदिगार है। कुछ अफराद वो हैं जो मौत को हमेशा याद रखते हैं, कुछ अफराद वो हैं जिनके सामने लफ्ज़ मौत का नाम आया नहीं कि वहशत में डूब जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। ठीक है, कोई आदमी यहां हो, कोई ना सामने आ रहा हो, एक ताबूत रखा हो मैयत का, और कोई पूछे ये ताबूत किस लिए रखा, और आप कह दिए आपके लिए, बोलेगा नहीं आपसे, नाराज हो जाएगा, खफा हो जाएगा, है ना, जो मौत से डर रहा है, वहशत तारी है, चले जाएंगे। मगर इस तरीके से आप मुलाहजा फरमा लें मिसाल के तौर पर के जमाने में एक वो होता है स्टूडेंट जो पूरी इम्तहान की तैयारी कर लेता, तैयारी कर लेता, अब जब तैयारी कर लिया और पता चला कि हमें इम्तहान गाह में जाना, तो उसे न खौफ है न सोच है
न फिक्र है न जर्रा बराबर उसे कोई अख्तलाजी कैफियत है, कुछ नहीं। और जैसे ही इम्तहान की मंजिल पर पहुंचा, इम्तहान गाह की तरफ रवाना हुआ, तो उसे रास्ते में ये खबर मिल गई कि आज किसी वजह से आज इम्तहान एग्जाम हमारा मुलतवी कर दिया गया। अब वो गुस्से में लाल है, नाराज है। एक बच्चा वो था जो तैयारी करके बिल्कुल नहीं गया था, और पता ये चला मिसाल के तौर पे, आप समझिए एक ही घर के दो बच्चे, एक ही बाप के दो बेटे, एक आ रहा तो बड़े गुस्से में, माँ ने देखा क्या कहा बेटा, क्या मत पूछिए मेरा मूड आज खराब है, दिमाग खराब है। कहा क्या हुआ? कहा रात भर में जाग करके एक महीने से मैं तैयारी कर रहा था और आज गया तो एग्जाम कैंसिल हो गया। दूसरा आया वो बड़ा खुश, माँ ने पूछा बेटा तुमको क्या हुआ? कहा आज मैं खुश इसलिए हूं कि मैंने तैयारी नहीं की थी, लिहाजा मुझे कम से कम थोड़ा और मौका मिल गया, मोहलत मिल गई। भाई इसी तरीके से दो लोग समाज में, एक मौत से डरते हैं, एक मौत को याद करते हैं। तो जो मौत को याद करते हैं वो समझ लीजिए कि उन्होंने तैयारी कर ली है, जो मौत से फरार अख्तियार करते हैं इसका मतलब उन्होंने भी तैयारी नहीं की है, मोहलत मांग रहे हैं। मगर मौलाए कायनात ने क्या फरमाया कि मोमिन की अलामतों में सबसे बेहतरीन अलामत यह है, बेहतरीन अलामत यह है क्या कि तुम पर मौत ना आ पड़े, बल्कि तुम ऐसे बनो कि तुम मौत पर जा पड़ो, तुम मौत पर जा पड़ो। यानी ये नहीं कहा कि मौत तुम्हें ढूंढती हुई आए कहां हो, बल्कि ऐसे बनो तुम मौत पर जा पड़ो। मौला के कहने का मकसद यह है कि हर लम्हा तुम अपनी मौत को याद करते रहो सुबह शाम। और फिर मौला ने यह भी फरमाया कि अगर दिन भर में एक बार मौत को याद ना करे तो मेरी अहल से नहीं है, मेरी यार से नहीं है। मौला हम जिंदगी भर मरीज कर रहे हैं सुबह से शाम तक, या अली ये क्या हो गया, मेरी अहल से नहीं है। कहा इसलिए जब जब तुम मौत को याद करोगे तब तब तुम गुनाहों से तौबा करोगे, मगर जब मौत से गाफिल हो जाओगे तो बुराइयों से वाबस्ता हो जाओगे। और अली नहीं चाहता कि हमारा वाला बुराइयों से वाबस्ता हो, अली ये चाहते हैं हमारा चाहने वाला नेकियों से वाबस्ता हो, इसलिए इसकी नेकियां ही हैं जो इसके निजात की जमानत बनने वाली है। या नहीं? गौर करने का मकाम है, सोचने का मकाम है, फिक्र करने का मकाम है कि ईसा अलैहि सलाम की मजालिसें जो मुनक्किद होती हैं वो इसी तर्ज इसी अंदाज की थी। और आज एक मोमिन और एक मोमिना के साले सवाब के लिए मजलिस सज़ाए सरकार सिद्दु शोहदा का एहतमाम किया गया। तो मैंने कहा मौत जिंदगी है, मौत हयात है। अब आप शायद जहनों में सामईन के मोमिनीन के ये फिक्र लाहक हो रही होगी कि तो मर जाता तो मैं इस जगह एक दलील आपके सामने पेश करना चाहता हूं। कुरान मजीद ने साफ ऐलान कर दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स वाले को मौत का मजा चखना। मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू में यह कहा करता हूं चखी वही चीज जाती है जिसमें जायका पाया जाए, जिसमें लताफत पाई जाए, जिसमें चाशनी और हलावत पाई जाए, वो चखी जाती है। और जो चीज चखी जाती है उसमें बरकत होती है, उसमें बरकत होती है। अब आप शायद कहेंगे कि मौलाना चखी जाती है बरकत कैसे होती है? कोई शिया ऐसा नहीं है कायनात में जिसके यहां नजर का एहतमाम ना होता। आज तक आपने नहीं देखा होगा किसी ने नजर का एहतमाम किया हो, कहा हो आइए हजरात खा लीजिए, सबने ऐलान किया होगा कि आइए हुजूर हमारे क्या नजर है चख लीजिए। खाया नहीं जा रहा, चखा जा रहा। और उसमें जब चखा जाता है तो उसमें क्वांटिटी नहीं तय की जाती कि नजर में इतने लोग आएंगे इतना बनाया जाए, होता इतना है हो जाता इतना है। यानी नजर के खानों में अल्लाह कितनी बरकत अता फरमा देता है। तो इसी तरीके से मौत
मरने का नाम नहीं है, चखने का नाम है जायका मौत में। अब कहिएगा कि जायका कैसे है कि जितनी ज्यादा अली की विलायत में डूबते चले जाएंगे मौत हलावत होती चली जाएगी, अली से नफरत करते जाएंगे मौत आपके लिए कड़वी होती नजर आएगी। सलावत मोहम्मद वाल। इसलिए हमेशा और हमेशा मोहम्मद और आल मोहम्मद के चाहने वालों को मौत को याद करते रहना चाहिए। और इसलिए मौत को याद कीजिए कि आप गुनाहों से बचिएगा, बुराइयों से बचिएगा। और कोई बशर इस कायनात में ऐसा नहीं है जो गुजरा हो और उससे कोई गुनाह ना हुआ, सिवाय 14 के। अल्लाह ने किसी को 15वें को मासूम बनाया ही नहीं, 14 ही को मासूम बनाया। कोई कायनात में दावा नहीं कर सकता है हमने गुनाह नहीं किया, तो क्या गुनाहगार अगर थे तो इस गुनाहगार को जन्नत नहीं मिलेगी? गुनाहगार हमसे कोई गुनाह हो गया, आपसे कोई गुनाह हो गया, तो क्या उसे जन्नत नहीं मिलेगी? इसलिए गुनाह करके आए भाई, गुनाह पर अल्लाह ने तौबा भी तो लिखा है भाई। आप बताइए किसी को मर्ज हो गया तो क्या जो मर्ज उसको है उसी को ऐसे ही छोड़ दिया जाए? नहीं, उसका इलाज जरूरी है। तो अगर गुनाह हो जाए तो इस गुनाह से बचने का भी इलाज रखा गया। वो इलाज क्या है? का तौबा करते जाओ। जब तौबा करते जाओगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है हाजरी नाजरीन कि आप रोज गुनाह भी करें रोज तौबा भी करें, रोज गुनाह भी करें रोज तौबा भी करें, नहीं। अगर गाहे बगाहे कभी खुदा न खास्ता गुनाह हो जाए तो उसके लिए तौबा लिखा। अब रोज आप गुनाह करते रहिए जानबूझ करके तो थोड़ी अल्लाह को बेवकूफ बना पाइए, ज्यादा दिन थोड़ी। जब आम दुनिया में किसी को बेवकूफ ज्यादा दिन नहीं बनाया जा सकता। अल्लाह है अल्लाह, माबूद हकीकी वो रहमान और रहीम जरूर है मगर कहार भी है, याद रखिएगा। अल्लाह रहमान और रहीम है, सत्तारुल अयूब है, आपकी पर्दापोशी करता है, आपके गुनाहों को छुपाता है, मगर रोज रोज अगर करते चले जाइएगा तो एक दिन अपना कहार भी तो दिखाएगा कि मेरा नाम कहार भी है। अब जब वो कहर बन करके आएगा तो आप देखा भाई, आप बताइए इतने बड़े फील हाथी के लिए अल्लाह ने जब कहर नाजिल किया तो मिनकार में मामूली से पत्थर को दे करके भेजा, बता दिया देखो कहरे इलाही अगर नाजिल होगा तो ये मत समझना हम बड़े ताकतवर हैं, सिर्फ हमारे चंद कंकड़ियां जो है इसे जब अबाबील का लश्कर बर्दाश्त नहीं कर सकता तो लोग हमारे कहर को क्या बर्दाश्त कर पाए, है ना। लिहाजा गौर करना चाहिए कि हम जब इस कायनात में आए हैं तो अच्छी जिंदगी गुजारे। अच्छी जिंदगी से मुराद क्या है? सिर्फ 5 स्टार में रह जाना? अच्छी जिंदगी से गुजार से मुराद ये है, देखिए इस्लाम ये भी नहीं चाहता कि आपके पास अल्लाह ने पैसा दिया है तो आप आसाइश ना करें, आराम ना करें, सुकून ना करें, ये भी इस्लाम नहीं चाहता। इस्लाम ये भी नहीं चाहता, इस्लाम चाहता है जितना हमने दिया है उसमें कुछ तुम्हारा भी हक है, कुछ मस्जिद का भी हक है, कुछ लोगों का भी हक है, इज्जा का भी है, कुर्बा का भी है, वालदैन का भी है, आप सबके हुकूक को अदा करते चले जाओ, ये तुम्हारी जिंदगी में कामयाबी हो जाएगी। तुम्हारे पर मैंने वाजिबात को भी रखा, जो वाजिबात रखे हैं उस वजूद को तुम तर्क मत करो, उसकी जिंदगी तुम गुजारो। लिहाजा जो इस कायनात में आया है उसे एक न एक दिन यहां से जाना, मैं ये नहीं कहूंगा कि मिट के जाना है, मिट के नहीं जाना है बल्कि बाकी रह के जाना। और जब बाकी रह के जाना तो हम जब चले जाएंगे तो हमें कौन याद करेगा? हमारे अजीज, हमारे रिश्तेदार, हमारे रफका, हमारे इज्जा, कौम के लोग याद करेंगे कि एक आदमी चला गया। आज जैसे इन मरहूम और मरहुमा को याद किया जा रहा है, उनके वर्षा याद कर रहे हैं, उनके खानदान के लोग आज इस उम्मीद में हैं कि आज हमारे फला खानदान के इसाले सवाब के लिए मजलिस। तो आया ये मजलिस का जो इनेकाद किया गया, ऑनलाइन मजलिस का इनेकाद किया गया, तो ये मजलिस मरहूमीन को पहुंची या नहीं पहुंची? उनके लिए नजर का है तमाम उनके घरों में, आया ही नजर उन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? यकीनन पहुंचता है।
यकीनन पहुंचता है, और पहुंचता इसलिए है कि हमने किसी गासिब को वसीला नहीं बनाया, हमने किसी हक मारने वाले को वसीला नहीं बनाया, हमने ऐसे अमीन को वसीला बनाया है जो खुद अमीरुल मोमिनीन है, खुद अमीरुल मोमिनीन है, हमने ऐसे को वसीला बनाया। और जब शरीफ आदमी में, बहुत तवज्जो, जब एक आदमी शरीफ होता है, आप कोई अमानत या तोहफा देते हैं तो कोशिश करता है कि बेहतर से बेहतर अंदाज में पहुंचाया जाए, है ना। और जो खुद मुश्किल कुशा हो, जब हम ये सूरह फातिहा उसके वसीले से, पंजतन के वसीले से, अहले बैत के वसीले से उसे भेजते हैं मरने वाले को, तो ये पहुंचता है। इसलिए पहुंचाने वाले कोई और नहीं है, वो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, सलावात मोहम्मद। लिहाजा मजालिस अज़ाए सरकार सैयदुश्शुहदा जो मनाम ईसाले सवाब मुनक़िद की जाती है मरहूमीन के, एक बात मशहूर है और आपने सुनी भी होगी, बुजुर्गान ने भी सुना होगा, लोग कहते भी हैं कि हमने अपने बुजुर्ग की मैरिज मुनक़िद की तो मुझे, मेरे दिल को सुकून मिल गया। अक्सर आपने देखा होगा लोग कहते हैं आज सुकून मिल गया कि मैंने अपने बुजुर्ग की, अपने वालदैन की इसाले सवाब की मैरिज। आपने देखा दो ही चीज़ों में सुकून मिलता, एक नमाज अदा की तो सुकून, दूसरा जिक्र अहले बैत किया तो सुकून। और जब अहले बैत के तवस्सुल से ये मजलिस अज़ाए हुसैन का इनेकाद किया गया तो सुकून मिलता, तो जब हम मिलता है तो हमारे मरने वाले को इंतकाल जो किया है क्या उसे सुकून नहीं मिलेगा, उसे भी सुकून मिलेगा। सलावात मोहम्मद वाले उसे भी सुकून मिलेगा। तो लिहाजा जो इस कायनात में आया उसे जाना। मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपने चाहने वालों के लिए इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं इरशाद, अपने चाहने वालों के लिए इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे शियो, बहुत तवज्जो, ऐ मेरे शियो, ऐ मेरे चाहने वालों, तुम कायनात में इस तरीके से जियो जैसा इस्लाम ने जीने का तुम्हें हक दिया है, जैसा इस्लाम ने तुमको जीने का हक दिया है, अगर उस तरीके से जी करके तुमने जिंदगी गुजारी है तो तुम यकीनन निजात याफ्ता कहलाओगे। अली ने एक मियार दे दिया कि निजात याफ्ता इंसान उसी वक्त बन सकता है जब अली के तर्ज पर जिंदगी गुजारे, और अगर औरत हो तो फातिमा के जिंदगी को तर्ज अमल बनाना चाहिए, अली को अपना आइडियल नमूना बनाना चाहिए। अगर अली और औलादे अली हमारे के हाँ मुझसे मोहब्बत ना होती तो आज कायनात में हमें कोई पहचानने वाला ना होता। आज हमारा तारुफ अगर कायनात में है या तो अली और औलादे अली की वजह से है। सलावात मोहम्मद वाल बस जाने गिरामी, चूंकि एक मजलिस साले सवाब है और आप जान रहे हैं कि मैं इस वक्त थोड़ा सा परेशान भी हूँ और हमारी बच्ची खुद हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके छोड़ करके भी इस मजलिस अज़ा का इनेकाद किया जा रहा है, लिहाजा आप हज़रात से दुआ है कि आप हमारी बच्ची के लिए भी, सेहत के लिए भी, उसके लिए भी ज़रूर दुआ फरमाएं। नाज़रीन और आप हज़रात के अल्लाह बेहक़ आबिद बीमार के सदक़े में हमारी बच्ची को भी सेहत कामिला और आजला अता फरमा दे। बस जाने गिरामी, तो मजलिस अज़ा हुसैन ये बाईस निजात है, बाईस ज़मानत है, और निजात का जरिया हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आले मोहम्मद। बस एक मरहूम और एक मरहुमा के साले सवाब। ऐजाने गिरामी, जब किसी का अजीज, किसी का बाप दुनिया से गुजरता है तो उसकी औलादों से पूछा जाए कि उसके दिल पर कैसा शाख गुजर जाए। अगर किसी की माँ दुनिया से गुजर जाती है तो आप ज़रा उसके गुज़रने का अंदाज़
उसके अजीजों से पूछिए, उसके बच्चों से पूछिए। और अगर किसी कोई साहिब औलाद होता तो जब दुनिया से गुजरने का वक्त होता तो हर आदमी बेटे से आके कहता है, बेटा हम तुम्हारे बाप के लिए दुआए खैर कर रहे हैं, हम तुम्हारे बाप के लिए सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। हर मोमिन हर मोमिना चाहता है कि हमारे बुज़ुर्गों का वजूद बाकी रहे। मगर मौला ने फरमाया कि मोमिन की ज़िंदगी में सबसे सख्त तरीन और इम्तहान का दिन वो होता है जिस दिन बेटों से बाप गुजर जाए या बच्चों से माँ गुजर जाए। तो इज़ाने गिरामी, माँ के गुज़रने पर बेटियों को भी शाख होता है, बेटों को भी शाख होता है। बाप के गुज़रने पर इज़ाने गिरामी बच्चों को भी शाख गुज़रता है, बच्चियों के भी शाख गुज़रता है। पूरा ख़ानदान एक मोमिन के गुज़रने पर मुतज़लज़ल हो जाता है। मगर हायरे ख़ानदान ज़हरा कि जिस ख़ानदान ज़हरा में ऐज़ाने गिरामी चंद लम्हात में फ़ातिमा का बाग ताराज कर दिया गया। ए अज़ीज़ाने गिरामी, एक घर से एक जनाजा निकलता है तो मोहल्ले और अजीज़ों रिश्तेदारों में एक कोहराम बरपा हो जाता है। मगर हायरे वो फ़ातिमा का लाल, वो ग़रीब मेरा मौला आका हुसैन जो करबला में 72 गुलदस्तों को सजा करके लाया था, मगर चंद घंटों में ये बाग ऐसा ताराज किया गया। अल्लाह ना करे कोई ऐसे इम्तिहान से गुज़रे जैसे फ़ातिमा का लाल गुज़रा। ए अजीज़ो, शब नवी जाग करके हुसैन ने गुजारा, ख़याम हुसैनी में अलातश की सदाएँ आ रही थी, हाय हुसैन हाय हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया। अलताश हाय प्यार, अजीज़ा ने गिरामी सुबह का वक्त आया, हाय रे फातिमा का लाल, कभी जवान की लाश उठाया, कभी ज़ईफ़ों की लाश उठाया, कभी भांजों की लाश उठाया, कभी भाइयों की लाश उठाया। मगर हाँ अजीज़ो, आखिर में जब हुसैन यको तन्हा रह गए तो एक मरतबा सदा इस्तगासा बुलंद किया, एक नन्हे गहवारे से एक बच्चा नन्ना उठा, गहवारे से हुमक के बाप की आवाज पे लब्बैक कहा। हाय वो हुसैन गरीब ने अपने बच्चे को लिया, मख्तल में आए, ए दुश्मनों लाओ पानी पिला दो। हाय ये छोटा सा ये नन्ना बच्चा भी हुसैन के हाथों पर मुनकलिब हो गया। अली असगर दुनिया से गुजर गए मगर अब कोई ना रहा। ए अजीज़ो, इंसाफ से बताओ, जब कोई ये को तन्हा रह जाता है तो ये फिक्र करता है, हाय जब मैं दुनिया से जाऊंगा मेरा जनाजा कौन उठाएगा, मुझे गुस्ल कौन देगा, कफन कौन पहनाएगा। ए अजीज़ो, हमारे रात के चौथे इमाम की शबे हैं, हमारा चौथा इमाम इस तरीके से गरीब हुआ कि भाई अजीज़ाने गिरामी हुसैन के लाशे पे खड़े होकर के अल्लाह न करे कोई बेटा ऐसे मरसिया पढ़े जैसे सज्जाद ने अपने बाबा हुसैन के लाशे पे खड़े होके आवाज दी, ए बाबा खुदा न करे किसी का बेटा गरीब हो, सज्जाद गरीब हो गया, बाबा आपका जनाजा पड़ा हुआ है, क्या करूं, मैं बड़ा मजबूर हूं, बाबा ने अजीज़ो अजीज़ो कैसे सज्जाद उठाए जनाजा, जनाजा उठाने के लिए हाथ खुले होने चाहिए मगर सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खारदार तौक था। एक बार अल्लामा मुफीद ने लिखा, अजब नहीं सज्जाद गरीब ने नजफ का रुख करके आवाज दी हो, ए दादा गवाह रहना किसी का बेटा कायनात में ऐसा मजबूत न हो, हुसैन का बेटा सज्जाद मजबूर हो। अजीज़ो, दुनिया से गुजरने वाले गुजर जाते हैं, जब ऐसे अजीज़ों को रिश्तेदारों को पता चलता है जनाजे में दूरों दराज से आके शरीक होते हैं, बेटी होती है पुरसा दिया जाता है जाता है, मगर हाय रे करबला
बाद शहादत हुसैन कोई पुरसे के लिए नहीं आया, अगर आया तो या तो बिस्तर छीनने के लिए, या बच्चों के तमाचे मारने के लिए, या कानों से बूंदे छूने के लिए। अरे अभी शाम गुजर रही है, पहली रात है, एक बच्ची के दामन में आग लगी हुई है, कोई बुझाने वाला नहीं है। हाय हमीद इब्ने मुस्लिम ने जब इस बच्ची की बेकसी देखा, यतीमा पे तरस आया, आवाज दी बच्ची ठहर जा। हाय इतनी डरी हुई बच्ची थी कि तेज रफ्तार से भागी, पूछा तुम कौन हो, आवाज दी आवाज बुझा दू। भाई अरे अभी तक कोई भी ताजिया देने नहीं आया, या तो कानों से बूंदे छीनने आया, या तमाचे मारने आया। हाय अल्लाह न करे किसी की बच्ची ऐसे यतीम हो जैसे करबला में हुसैन की बच्ची यतीम हो गई। अल्लाह न करे कोई बेटा ऐसे यतीम हो जैसे सज्जाद करबला में यतीम असीर हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाइही तस्लीमन लिअम्रिह। बारिलाहा मुहम्मद व आल मुहम्मद के सदक़े तुफ़ैल हम सब किस मुख्तसर सी कलील सी इबादत और जिक्र को कबूल। पालने वाले नाज़रीन व हाज़रीन के साजात व हाज़री को कबूलियत अता फ़र्मा, पालने वाले मरहूमीन के दर्जात में बुलंदी अता फरमा, उनके वरसा को अपने मरहूमीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अमल खैर करने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले बिलखसूस मरहूमीन के परवरदिगार गुनाहान सगीरा गुनाहान कबीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगार बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद जहाँ जहाँ आशिकान रसूल वाले रसूल, परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के चाहने वाले, उनकी जानो मालो इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। जो बीमार है शफाए आजिल व कामिल अता फरमा। पालने वाले इस कोरोना वबा के दरमियान बहुत से मोमिन मोमिनात बेरोजगार हो, परवरदिगार उन्हें रोजगार अता फरमा, मोमिनीन के रिस्क में इजाफा फरमा। पालने वाले अज़ाए हुसैन को और ज्यादा फरोग अता फरमा, दुश्मनान अज़ा को नस्त व नाबूद फरमा। पालने वाले हमारे सरों पे हमारे बुजुर्गों का नायबीन अमाम मराज अज़ाम का साया बाकी रख। पालने वाले इमाम ज़माना का ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब को उनके आवानों अंसार में शुमार फरमा। आइए हम सब मिल करके मरहूमीन के लिए इशाले सवाब करते हैं। हाज़रीन से गुजारिश है, नाज़रीन से गुजारिश है कि आप हज़रात एक बार सूरह हम तीन बार सूरह तौहीद की तलावत फरमाएँ और इन मरहूमीन को इशाले सवाब फरमाएँ। اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد। सूरह फातिहा इख़लास दुरूद का हदिया बतुफ़ैल चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, शहीदान करबला के तवस्सुल से मरहूम सैयद हाशिम रज़ा काज़मी इब्न हादी हसन मरहूम और हसीना बीबी बिनते मुज्तबा हसन की रूह को ईसाले सवाब किया जाता है। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद।